नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगति नायक आपको मेरे किचन में स्वागत करती हूँ, जिसका नाम है नायक्स चटपटा। आज हम लोग बहुत ही आसान एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है दाल जीरा, जिसमें ना ही ऑनियन लगता है ना ही गार्लिक लगता है, बट स्वाद सबसे बढ़िया है। तो सीखें कैसे करना है। दाल जीरा बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए मैं निकाल के रखी हूँ, आप देख लीजिए एक बार। ये तुअर दाल दो है, हाफ कप लिया है। 2 चम्मच ग्रीन ग्राम दाल लिया है। 1 चम्मच देसी घी चाहिए छौंक लगाने के लिए। और छौंक लगाने के लिए हम लोगों ने कड़ी पत्ता लिया है और मस्टर्ड लिया है, राई है। और दाल को जब बॉईल करेंगे तो हम लोग उसमें 1 कटा हुआ टमाटर डालेंगे। इस जीरे को कूट के डालेंगे, कच्चा जीरा कूट के डालेंगे। हल्दी डालेंगे और पानी डाल के बॉईल करेंगे। दाल को हम 1 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे ताकि ये जल्दी से बॉईल होके अच्छे से मैश होके निकले। अभी ये जो दाल जो मैंने भिगो के रखा है, इसको प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें जो कटा हुआ टमाटर है वो भी डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, ये जो हमने हरी मिर्च काट के रखी है इसी में डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच घी डालते हैं और जितना पानी चाहिए उतना डाल के हम लोग इसको बॉईल कर लेते हैं। 1 ग्लास तक पानी डाला है इसमें मैंने। अभी इसको दाल को 3 या 4 विजिल बजने तक हम लोग प्रेशर कुक करेंगे। उसके बाद ठंडा होने के बाद ऐसे खोलेंगे। देखिए आपका दाल अच्छे से पक चुका है। अभी इसको हम एक वेसल में ट्रांसफ़र करेंगे। थोड़ा धीरे कीजिए, बहुत गर्म रहता है। गैस को मीडियम फ्लेम पे चलाइए। इसमें हमने जीरा कूट के रखा है, इसको हम इसमें मिला देते हैं। जीरा इसमें मिला दिया। अभी स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसको अच्छे से जीरे के साथ बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। एक तरफा ये बॉईल हो रहा है दाल, दूसरी तरफा हम लोग छौंक लगाएंगे। छौंक लगाने के लिए मैंने 1 चम्मच घी लिया है। घी को गर्म होने देते हैं। घी जब पूरा पिघल जाए तो उसमें हम राई डालेंगे। मस्टर्ड को हम थोड़ा चटर पटर होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए इसमें हम अभी कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता थोड़ा डार्क ग्रीन होके क्रिस्प होना है, तब तक थोड़ा फ्राई कर लीजिए। गैस को एकदम धीमा कर लीजिए, बंद कर लीजिए। अभी इसमें छौंक लगा दें।
जो फाइनल इंग्रेडिएंट है वो है धनिया पत्ता। इसको डाल के बस बॉईल कर लेते हैं, तो दाल जीरा रेडी है, बंद कर देते हैं। दाल को हम एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफर करते हैं और इसको चावल और सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे हम रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे बहुत सारे आसान वीडियो रेसिपी के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय।